look like that. सात ऐसे शरीर के अंग जिसके बिना भी हम जी सकते हैं, आइए जानते हैं। फेफड़ा। हमारे शरीर में आमतौर पर दो फेफड़े होते हैं जिन्हें लोबस नामक खंडों में विभाजित किया जाता है। खून में ऑक्सीजन जोड़ने के लिए कम से कम एक फेफड़ा ज़रूरी होता है। एक फेफड़े वाले व्यक्ति को सांस लेने में और एक्सरसाइज करने में ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है और दो फेफड़े वाले व्यक्ति को कम तकलीफ। गुर्दा। मानव शरीर में आमतौर पर दो गुर्दे होते हैं जो रक्त को शुद्ध करने में एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। केवल एक गुर्दा के साथ सामान्य जीवन जीना संभव है। डायलिसिस। डायलिसिस आवश्यक है जब गुर्दे में पर्याप्त रूप से खून फिल्टर नहीं हो पाता। डायलिसिस किडनी फेलियर को एक दूसरा मौका देता है अच्छी ज़िंदगी जीने का। डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं, हीमो डायलिसिस और पेरिशिनियल डायलिसिस। स्प्लीन। स्प्लीन एक अंग है जो रक्त को छानने में मदद करता है। यह मोनोक्साइड नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं के लिए जलाशय के रूप में भी कार्य करता है। लोग स्प्लीन के बिना रह सकते हैं लेकिन कुछ प्रकार के संक्रमणों के लिए अधिक प्रलव हो सकता है। प्रजनन अंग। पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन अंग जिसमें वृषण और गर्भाशय शामिल हैं बच्चे पैदा करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वे माता पिता के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं हैं। कई लोगों को कैंसर या अन्य बीमारी के इलाज के रूप में उनके प्रजनन अंग हटा दिए गए हैं। पेट के कैंसर या अन्य स्थिति वाले लोग पेट के सभी या कुछ हिस्से हटा सकते हैं। इस मामले में छोटी आंत अन्न प्रणाली से जुड़ी होती है, उन्हें थोड़ा खाने की ही अनुमति होती है। बृहदान्त्र। बृहदान्त्र कुछ पोषक तत्व, पानी और नमक को हटा देता है। भोजन के शेष भाग को मलाशय ले जाता है जहां यह शरीर मल के रूप में जोड़ा देता है। बृहदान्त्र के कैंसर या अन्य बीमारी वाले लोगों में बृहदान्त्र से सभी या कुछ भाग निकाले जा सकते हैं। अन्य लोगों को मल इकट्ठा करने के लिए शरीर के बाहर एक बैग पहनने की आवश्यकता हो सकती है यदि उनके बृहदान्त्र को हटा दिया जाता है। परिशिष्ट या अनुबंध। परिशिष्ट एक ऐसा कसा हुआ ट्यूब है जो बृहदान्त्र के एक छोर से लटका हुआ है। यह अच्छे बैक्टीरिया के भंडार के रूप में कार्य करता है जो आंतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करता है। बोनस। और ऐसे चार मानवीय अंग हैं जिसके बिना भी जी सकते हैं दवाइयों के साथ, जैसे कि ब्लेडर, थायराइड, आईज और थॉन्सन्स।